बीएड का कोर्स करना है तो आपके लिए क्वेश्चन होता है कि पेडागॉजिकल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंपल आंसर इसका ये है कि टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। बीएड कोर्स में जिस सब्जेक्ट के टीचर आपने बनना है उस सब्जेक्ट की वो सब्जेक्ट आपका पेडागॉजिकल सब्जेक्ट होगा और उसी के बेस पर बीएड में एलिजिबिलिटी बनाकर आप स्कूल में जॉब करते हो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। अब ये समझ लें कि ये होता क्या है डिटेल में थोड़ा सा। टीचर आप बनना चाहते हो, टीच कहाँ करना चाहते हो, क्या नंबर एक स्कूल में करना चाहते हो, नंबर दो आप कॉलेज में करना चाहते हो, नंबर तीन आप यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो। अगर तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में टीच करना चाहते हो फिर NTA UGC नेट आपको ये देना पड़ेगा, ओके। लेकिन यहां पर बीएड की बात हो रही है तो आपने स्कूल में टीच करना है। अगर स्कूल में चार लेवल हैं, एक प्री प्राइमरी लेवल है जिसके लिए हमें कोर्स करना पड़ता है, ये मैंने पॉइंट लिखा है यहां पर। टीचिंग क्लास कौन सी होती है? प्री प्राइमरी के 3 साल होते हैं, 2 से 6 लगा लीजिए, 2 से 6, 2 से 6 इसलिए लिख रहा हूं कि 2/3 होगा तो इस साल को टीच करने के लिए। अच्छा, इसके लिए कोर्स क्या, प्रोफेशनल प्रोग्राम या कोर्स क्या करना होता है? NTT, ये हो गया। और प्राइमरी के लिए हमने फर्स्ट क्लास से, ये ईयर है, ईयर मैंने बोले हैं, और ये क्लास, फर्स्ट से 5th क्लास तक आपने अगर टीचर बनना है उसके लिए क्या करना होता है? DLED है ना, पहले इसको ETT भी बोलते थे, ETT भी लिख सकते हो। अब आ गया सेकेंडरी, कौन सी क्लास से? 6th क्लास से आपने 10th क्लास तक टीच करना है तो इसके लिए क्या करना होता है? साथ में इकट्ठे बता देते हैं, ये होगी अगर सीनियर सेकेंडरी है तो 11वीं प्लस 12वीं क्लास को आपने टीच करना है। इन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को टीच करने के लिए एलिजिबिलिटी के लिए प्रोफेशनल कोर्स कौन सा चाहिए? वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन, BEd। फर्क सिर्फ इतना है कि जो इसको बोलते क्या है, इसको बोल देते हैं TGT टीचर, अगर ये आपने लगना है, ये आ गया TGT टीचर 10th तक टीच करने के लिए, ये है 10+2 तक टीच करने के लिए, 11वीं और 12वीं के लिए सिर्फ, ये शामिल नहीं है इसमें, तो इसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है, इसको PRT बोला जाता है, NTT टीचर। तो यहां बात हमने ये करनी है कि हमने एलिजिबल किसके लिए होना चाहते हो आप, क्या आप एलिजिबल होना चाहते हो TGT के लिए या आप होना चाहते हो PGT के लिए? तो आपके पेडागॉजिकल सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली होंगे। ये पेडागॉजिकल सब्जेक्ट को चूज करना केयरफुली होगा क्योंकि आगे चल के आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो इस चॉइस पर आपका निर्भर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की, आगे चल के बताता हूं कि गवर्नमेंट की जो एलिजिबिलिटी है वो एक तो चेंज होती रहती है और बीएड हो जाती है, लेकिन कई बार बीएड करने के बाद भी हम गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो यहां पर पेडागॉजिकल सब्जेक्ट TGT में बहुत कम होते हैं, वो होते हैं जो स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं, स्कूल सब्जेक्ट्स TGT के, और ये +1-2 के सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी स्कूल सब्जेक्ट हैं, तो ये बहुत कम होते हैं सब्जेक्ट ये वाले, और PGT के बहुत ज्यादा होते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी इसकी ज्यादा होती है, PGT की नंबर ऑफ जॉब्स कम होती है गवर्नमेंट जॉब। तो ये राइट पेडागॉजिकल सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट राइट पेडागॉजिकल सब्जेक्ट कैसे बनते हैं TGT के लिए PGT के लिए, उसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास मेजर सब्जेक्ट हैं जो बीएड में ऑफर किए जाते हैं, इसको फुल कर लेते हैं पहले। इनको स्कूल सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, पेडागॉजिकल सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट पहले बोला जाता था वैसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये ऑफर किए जाते हैं, मैंने इनको 2 कलर किए हुए हैं, एक तो ब्लू है, ब्लू वाला जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट का नॉर्मली बनता है, ये पंजाब की लिस्ट है, इंडिया की लिस्ट, इससे ज्यादा दो ज्यादा सब्जेक्ट या कम हो सकते हैं। तो यहां पर जो लोग TGT फॉर एग्जांपल, यहां पर अगर आप 6th से, ये रेड वाला हो गया, 6th से 10th तक के टीचर बनना चाहते हो जिसको TGT बोला जाता है, वो रेड वाले सब्जेक्ट होंगे, है ना,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी पोस्ट ज्यादा निकलती है, और जो बाकी बचे कलर है जो ब्लू है वो पीजीटी होगा, पीजीटी कोर्स होगा वो 11वीं प्लस 12वीं क्लास के लिए, जिसको पीजीटी बोला जाता है उसके लिए है। तो ये सब्जेक्ट आप पहली बात देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सब्जेक्ट की बीएड में आपने पैडागोजी पढ़ ली तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, और क्राइटेरिया भी हैं, आगे चल के बताता हूँ। ये हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर इधर। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई, पैडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, और साथ में इधर आ गया कि क्वालिफिकेशन। मैं लास्ट तक जाऊंगा कि पैडागोजिकल सब्जेक्ट जो हैं लास्ट तक गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एलिजिबल बनाते हैं। बेस्ट चॉइस आपकी, बेस्ट कॉम्बिनेशन वही होगा जो आपको गवर्नमेंट जॉब तक एलिजिबिलिटी के लिए ले जाए। अच्छा, उसके लिए बहुत फैक्टर हैं। सबसे पहला, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपने पैडागोजिकल सब्जेक्ट में से चूज करना है। अब आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ये जी फॉर, यहाँ स्पेस कम थी इसलिए मैंने जी छोटा लिखा है, ग्रेजुएशन इसको समझ लेना है, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह, और पीजी मीन पोस्ट ग्रेजुएशन। अब एकेडमिक में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो जनरल सब्जेक्ट हैं जिसको कंपलसरी सब्जेक्ट बोल देते हैं, कई यूनिवर्सिटी ये ऑफर करती है, कई यूनिवर्सिटी जनरल सब्जेक्ट ऑफर नहीं करती। नॉर्मली ये एक पेपर होता है, और दूसरी तरफ है इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये दो पेपर होते हैं ग्रेजुएशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्टिव इंग्लिश है यहां पर हमारे पास, यहां पर जब टीचिंग लिख दिया तो ये बीएड की बात होगी, अगर इंग्लिश की बात है अकेली हो रही तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो आपने ग्रेजुएशन में लेनी है। तो इलेक्टिव इंग्लिश है वो आपका पेपर ए पेपर बी, पहले साल पेपर ए पेपर ए एक और दो जो होगा बी दूसरे साल में होगा, और पेपर वन और टू फिर तीसरे साल में होगा। छह पेपर आप देते हो इलेक्टिव के लिए, ये बताना जरूरी है, तो क्योंकि इसके बेस के बिना गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। तो जब आपने बीएड करनी है तो आपके जनरल सब्जेक्ट को वेटेज दी जाती है, लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हो तो नॉर्मली पंजाब में तो पक्का है कि जनरल सब्जेक्ट को कोई वेटेज नहीं दी जाती, उसके लिए एडिशनल पेपर देना पड़ता है, बाद में बताता हूं। तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, आपके जनरल सब्जेक्ट होंगे। जनरल सब्जेक्ट में कौन से क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जनरल यहां पर लिख देते हैं, जनरली जनरल इंग्लिश और मान लीजिए पंजाबी पढ़ी है ना, या रीजनल लैंग्वेज कोई पढ़ी हुई है, और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं एक दो तीन, कोई भी हो सकते हैं। अब यहां से एग्जांपल लेनी पड़ेगी कौन से आपने लिए हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आपने इंग्लिश जनरल भी पढ़ी है, पंजाबी जनरल पढ़ी है, और इलेक्टिव भी इंग्लिश पढ़ रहे हो। ओके, तो यहां वेटेज ज्यादा जो जॉब के लिए है इलेक्टिव की रहेगी। तो बीएड में जब जाना है तो आपने क्या चूज करना है, ये प्रॉब्लम यहां पर आती है, इसको पहले रब कर दूं, ये क्लियर हो गया है आपको। इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने वो सब्जेक्ट कितने साल पढ़ा है, एक साल पढ़ा है, दो साल पढ़ा है, तीन साल पढ़ा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको तीन साल पढ़ा हुआ होना चाहिए और वो इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन बीएड करने के लिए आपको बीएड रिलैक्सेशन से करवा दी जाती है। तो बीएड के लिए आपको वो सब्जेक्ट यहां पर बताता हूं कैसे हुए होने चाहिए। कई बार बच्चों ने दो साल पढ़े होते हैं, है ना, एक साल ही पढ़ा होता है, दूसरे साल सब्जेक्ट बदल जाता है, तीसरे साल सब्जेक्ट बदल जाता है। तो ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो आपने तीन साल पढ़ी है। यहां पर हमने क्या सीखा कि हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर जाना है तो हमें जब कॉम्बिनेशन सेलेक्ट पैडागोजिकल करना है तो इलेक्टिव सब्जेक्ट को प्रेफर करना है, जनरल को नहीं करना। जनरल को तब करना है अगर इलेक्टिव में से कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ठीक, तो ये हो गया पहली गाइडेंस आपके लिए। दूसरा है हमारी एकेडमी के साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है, यहां पर हम बीएड की बात कर रहे हैं। बीएड में दो पैडागोजिकल सब्जेक्ट आपने चूज करने होते हैं, वो कौन से होने चाहिए, वो आपने टू पैडागोजिकल सब्जेक्ट जहां तो ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए। ग्रेजुएशन में पढ़े हो तो आपका टीजीटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हो तो पीजीटी की एलिजिबिलिटी बनती है। तो वो दो सब्जेक्ट कौन से हों, उनको जनरली बोला जाता है इंडिया में मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट उनमें से मेजर होगा, एक माइनर होगा। एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ बीएड कोर्स की एंट्री तक है, उसके बाद कोई
इंपॉर्टेंस नहीं है, बाद में गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वही चलने हैं। तो मेजर सब्जेक्ट इसलिए बोला जाता है कि मिनिमम वन सब्जेक्ट आपका ऐसा हो जिससे आपकी मैक्सिमम जो है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी बन जाए, है ना। तो वो मेजर सब्जेक्ट नेचुरली है कि इलेक्टिव में से होगा और उसके साल जो है ज्यादा पड़े हुए होने चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए अब 3 साल पड़े हुए होने चाहिए, लेकिन बीएड में रिलैक्सेशन की हुई है कि अगर आपने 2 साल कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बेशक वो जनरल ही क्यों नहीं है, देखो कितनी रिलैक्सेशन है, 2 साल अगर आपने मिनिमम सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो उसको आप मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं। दूसरी बात, मेजर सब्जेक्ट नॉर्मली काउंसलिंग के दौरान यूनिवर्सिटी ही देती है और माइनर सब्जेक्ट नॉर्मली जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाती है उस कॉलेज की अथॉरिटी वेरिफिकेशन करने के बाद, आपके डीएमसी देखने के बाद कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आपने कितने साल वो सब्जेक्ट पढ़ा है उस कॉलेज में अवेलेबल है, ये देखने के बाद प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी हो सकता है कि ये भी मेजर सब्जेक्ट भी आपने 3 साल पढ़ा है और माइनर भी 3 साल पढ़ा है तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर आपका मेजर 2 साल पढ़ा है और माइनर 1 साल पढ़ा है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एडिशनल कुछ करना पड़ सकता है। तो माइनर सब्जेक्ट क्या है? माइनर सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा रब कर दूं यहां से, चलो यहां से कर लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। माइनर सब्जेक्ट क्या है? माइनर सब्जेक्ट अगर आपने 1 साल ही पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कहीं भी पढ़ा हुआ है, और कई यूनिवर्सिटी तो इतनी रिलैक्सेशन बीएड में देती है कि आपने 1 सेम ही पढ़ा हुआ है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरिएशन है, तो भी आपको माइनर सब्जेक्ट दे दिया जाता है। लेकिन 1 सेमेस्टर पढ़े होने से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, ये याद रखना जरूरी है। तो ऐसे आपने 2 पेडागोजिकल सब्जेक्ट चूज करने हैं, प्रेफर कीजिए अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट को, प्रेफर कीजिए जो 3 साल आपने पढ़ा हुआ है, और इसके अलावा प्रेफर क्या करना है, आपका इंटरेस्ट एरिया किस सब्जेक्ट में ज्यादा है, अलग से वीडियो होगी कि आपने गाइडेंस कैसे लेनी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है, और आपने टीजीटी की तरफ जाना है, पीजीटी की तरफ जाना है, ये अलग से वीडियो में बता देता हूं कि आपने 7-8 फैक्टर है, उन किन बातों का ध्यान रखना है, नीचे लिंक दिया गया है तो आप वहां से देख सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि पेडागोजिकल सब्जेक्ट में मैचिंग होनी चाहिए आपके एकेडमिक जो आपने पढ़े हुए हैं प्रोफेशनल में और गवर्नमेंट जॉब में। इसके अलावा कई ऑड कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं, इनको उड़ा देते हैं, जैसे कि आपने क्वांटिटेटिव टेक्निक पढ़ा है, अलग से वीडियो में ये बताऊंगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक पढ़ी है, उसके साथ कई यूनिवर्सिटीज आपको मैथ्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, लेकिन जॉब के लिए जब जाते हो तो क्वांटिटेटिव टेक्निक हो सकता है गवर्नमेंट माने या हो सकता है नहीं माने, वहां पर आपको मैथमेटिक्स का 3 साल के एक साथ 1 महीने में हो जाते हैं, वो एडिशनल पेपर देने होते हैं। तो ये पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपने कोई ना कोई पढ़ा है, जनरल सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो यहां पर मान लीजिए ये आपके पास टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, मतलब आपने मैथ पढ़ा है, आपने टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स लेना है। अगर आपने 3 साल मैथमेटिक्स पढ़ा है, यहां पर इलेक्टिव ये मैथ्स लिख दिया, ओके, तो मैथ्स को आप मेजर सब्जेक्ट ले लोगे। अगर आपने साथ में इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, तो वो बाद में डिस्कस होगा, तो वो आप सेकंड ले सकते हो। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपने मैथ्स मेजर ले लिया, मैथ्स 3 साल आपने पढ़ा था और आपने बीएड में भी वो पढ़ लिया, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपके मिनिमम परसेंटेज जितनी बोली जाती है उतनी आ गई है, क्योंकि वो भी चेंज होती रहती है, कभी 55 हो जाती है, कभी 50 होती है, नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट की 50 होती है, अब पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको और कम कर दिया है, वो अलग से वीडियो में बता देता हूँ। तो ऐसे ये मैथ्स यहाँ पढ़ा था, बीएड में भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, मेजर माइनर को भूल जाओ अब, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स आपने ले लिया था, माइनर है,
तो इकोनॉमिक्स आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो बाकी जो सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं यहाँ से आप एक बार लिस्ट देख लीजिए, ये हो गई रेड वाले टीजीटी के लिए हैं, ये ज्यादा कॉम्बिनेशन या अवेलेबिलिटी। दूसरा है ये भी है कि कॉलेज उसमें अवेलेबल है जहाँ आप जाना चाहते हो। कई बार हम कॉलेज को प्रेफर कर लेते हैं, इस सब्जेक्ट को प्रेफर नहीं करते कि नजदीक वाले में कर लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। हमेशा सब्जेक्ट को प्रेफर कीजिए, दूर जाके आपकी जो एलिजिबिलिटी बन गई है बाद में आपकी गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टीचिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर पंजाबी, मैंने पंजाब का लिखा है, आपकी रीजनल लैंग्वेज भी दी हो सकती है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर, जब पेडागोजिकल सब्जेक्ट चूज करना होता है और गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इसमें फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स आपने पढ़ी हुई होती है ना, और सोशल स्टडीज में तो 13 सोशल साइंसेज की लिस्ट है जो एनसीटी ने दी है। हाँ, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उस 13 में से कई बार कम कर लेती है, अलग से वीडियो में पंजाब के जो गवर्नमेंट है उसने क्या चेंजेस किए हैं वो बता देता हूँ। तो ये इनमें सोशल स्टडी है, ये सोशल स्टडी में बेस्ट सब्जेक्ट आपके लिए कौन से होंगे, वो 4 सब्जेक्ट जो स्कूल में टीच किए जाते हैं यहां बताना जरूरी है। पेडागोजिकल सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इधर ज्योग्राफी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जाते हो, पीएसटेट सीटेट क्लियर भी कर लिया है, बीएड कर ली है, तो वो कहते हैं कि मिनिमम हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक आपने जरूर पढ़ा हो। अब दूसरे कौन से आ गए, इकोनॉमिक्स और आपका पॉलिटिकल साइंस है ना, ये या सिविक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जो मिलके सोशल स्टडी को बनाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी क्या है कि इन 4 में से मिनिमम दो आपने 3 साल के लिए इलेक्टिव के तौर पर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। हाँ, ये अलग से है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं या सीबीएसई से रिलेटेड हैं वो जब गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक पक्का होना चाहिए। दैट इज वाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब आपने बीएड करनी है तो 13 सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है यहाँ पर, वो लिस्ट 13 सब्जेक्ट कौन से, 4 तो ये हो गए, इसके अलावा डिफेंस स्टडी है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मोस्ट कॉमन है, बाकी की लिस्ट मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये इन सारे 13 में से आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने ये भी ये कर दिया है कि 2 नहीं, आपने अगर एक भी पढ़ा है तो आपको पेडागॉजी ऑफ सोशल स्टडी सब्जेक्ट बीएड में दे दिया जाएगा। लेकिन जब आप जॉब के लिए यही बच्चे जाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, तो वो गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल नहीं होंगे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी यहां पर बेस्ट है बीएड के लिए, आपके लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी उन्हीं को दे रही है जिन्होंने मिनिमम 2 पढ़े हुए हैं। नेचुरली जहां जिन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से की है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा एलिजिबल बन रहे हैं। तो ये वेरिएशन भी है पेडागोजिकल सब्जेक्ट में। अब ऐसे ही साइंस उनको दिया जाता है जिन्होंने इनमें से 2 साइंसेज पढ़ी हुई हैं। तो कई यूनिवर्सिटी 1 साइंस से ही दे देती हैं टीचिंग ऑफ साइंस। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपको ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो आपको टीचिंग ऑफ पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस दी जाएगी। अगर आपने बायो साइंस पढ़ी है तो ये आपको लाइफ साइंस दी जाएगी, है ना। अकेली बायो पढ़ी है, अकेली ये पढ़ी है, यह केमिस्ट्री के साथ भी फिजिकल साइंस अकेली दी जा देती है। अगर आपने अकेला सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ऐसे ये, तो ये आपका पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी आपको बन जाएगी। ये भी बायो पढ़ा है तो पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी बनेगी। अगर अकेला केमिस्ट्री पढ़ा है पीजीटी के लिए, अगर आपने 2 पढ़े हैं है ना, तो फिर आपकी टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी बन जाएगी। ऐसे ही इधर सोशल स्टडी में, अगर आपने अकेली हिस्ट्री पढ़ी हुई है और कोई 13 में से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो बेशक आपको किसी यूनिवर्सिटी ने टीचिंग ऑफ एसएसटी करवा दिया
तो आप फंस गए, आप एलिजिबल नहीं हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ, अगर आपने टीचिंग ऑफ हिस्ट्री रखा है तो हिस्ट्री रख के आप हिस्ट्री की टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए, 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए हिस्ट्री। अगर अकेला ज्योग्राफी है तो पीजीटी, अकेला पॉलिटिकल साइंस है तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, अकेला इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए बनोगे। हाँ, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी थी लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने आपको सोशल स्टडी का बीएड करवा दी है तो आपको हिस्ट्री के जो बीएड करने के बाद, अगर साथ होता है साथ भी, आपको किसी और सोशल साइंस का एडिशनल ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें 6 पेपर होते हैं नॉर्मली पंजाब की यूनिवर्सिटी में, और वो 1 महीने में हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, तो आपको एडिशनल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने हिस्ट्री, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एक सब्जेक्ट पीजीटी के एलिजिबल थे, तो बाद में आप टीचिंग ऑफ या पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के लिए बीएड का एडिशनल पेपर भी दे सकते हो। तो ये सारी जो मेरे सामने थी एनालिसिस था, इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हो, लेकिन ये बात है कि जब क्वेश्चन पूछना है आपने इन्फॉर्मेशन पूरी देनी है। कहना चाहता हूँ, अगर आप जो कॉम्बिनेशन पेडागोजिकल सब्जेक्ट के, टीचिंग सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन कैसे चूज करने हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर चाहिए। नंबर एक, आपका इंटरेस्ट टीजीटी में है, पीजीटी में है, किस सब्जेक्ट में है, आपकी मास्टरी किस में है, ये बातें, ओके। दूसरा है कि सब्जेक्ट आपने कौन से जनरल पढ़े हैं, कौन से इलेक्टिव पढ़े हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है नहीं की है, ये बताना ज़रूरी है। कितने साल जनरल पढ़े हैं, कितने साल इलेक्टिव पढ़े हैं, प्रेफर जॉब गवर्नमेंट करना चाहते हो या प्राइवेट करना चाहते हो, एडिशनल सब्जेक्ट देना चाहते हो, ये फैक्टर हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए पूरी, फिर आपको बेटर गाइडेंस मिलेगी। फिलहाल इतना ही। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज। थैंक यू।